हेलो भाइयों, मैं हूँ सक्षम। तो आज बैठ गया भाई अपनी होंडा की जैज में। इंटीरियर देख के बहुत भाइयों को होंडा सिटी लग रही होगी, लेकिन नहीं भाई, होंडा सिटी नहीं है, होंडा जैज में आज हम बैठे हैं। चला के देखते हैं भाई इस गाड़ी को कैसी चलती है ये गाड़ी। उससे पहले अगर आपको दिखा दूं तो यार पहले सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, वरना ये टू टू करती रहेगी। और आप लोग भी भाई सीट बेल्ट लगा लिया करो, बहुत जरूरी है आपकी सेफ्टी के लिए। यहाँ पर अगर देख लेते हैं भाई नंबर्स, तो लगभग डेढ़ लाख किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है 5-6 साल के अंदर। आज भाई चला के देखते हैं कि 1.5 लाख किलोमीटर चली गाड़ी लगती कैसी, आखिर आईवी टेक इंजन जो कि होंडा का बहुत फेमस है। तो सबसे पहला जो मेरा इंप्रेशन है भाई, इसका क्लच बहुत अभी भी मतलब स्मूद है, हल्का सा टाइट हो गया टाइम के साथ, लेकिन भाई स्मूद है, ऐसा नहीं कि झटके से ऊपर आ रहा है, ऐसा कुछ है, बिल्कुल बढ़िया से उठ रहा है। और अगर बात की जाए इसके स्टेयरिंग की भी, तो भाई स्लो स्पीड्स पे तो देखो लाइट है, कोई इशू एज सच लग नहीं रहा। एक बार मैं थोड़ा घुमा के देखता हूँ गाड़ी को, स्लो स्पीड्स पे तो भाई स्टेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बात की जाए अगर गियर की भी, तो छोटा सा ट्रैवल है। और ये देख लो भाई, यहाँ पर ये कैमरा लगा हुआ है, ये देखो क्लियरिटी कुछ इस तरीके की है। कैमरे की गाइडलाइंस मिल जाती है, लेकिन भाई अडेप्टिव वगैरह वो नहीं है। और इस गाड़ी में भाई आफ्टर मार्केट सेंसर लगे हुए हैं, जिसका सेंसर का वो यहाँ पर दिखाता है। देख लेते हैं भाई गाड़ी को थोड़ा सा चला के। भाई बिना क्लच के भी गाड़ी उठ रही है यार, बढ़िया। ये देखना वापस से, आराम से उठ रही है भाई, बिना रेस के, बिना क्लच के बोल दिया था मैंने, बिना क्लच के नहीं भाई, बिना रेस के भी गाड़ी आराम से उठ रही है। 1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद ये हाल है इस गाड़ी का। भाई पिकअप भी ठीक है, देखो बाकी जैसे आईवी टेक इंजन होते हैं ना होंडा के, लगभग 4000 आरपीएम पे मैंने इसका गियर चेंज किया है। भाई ब्रेकिंग भी मेरे को अच्छी लगी गाड़ी की, तो नहीं भाई गाड़ी की ओवरऑल ड्राइवेबिलिटी बढ़िया है यार। होंडा का आईवी टेक इंजन वैसे ही भाई माना जाता है अपनी लीनियंसी के लिए और अपने स्मूथनेस के लिए, तो उस चीज़ में तो मेरे को इनिशियल में ही बढ़िया लग रही है। एक बारी थोड़ा सा मैं खींच के भी देखूं तो पता लगे। वैसे मेरे को पता है भाई, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि ये ज़्यादा पावर देगी या एकदम से मेरे को पुश दे देगी, क्योंकि होंडा है भाई और आईवी टेक इंजन है। इसकी स्मूथनेस के लिए, इसकी रिफाइनमेंट के लिए, इसके भाई ये 1.5 लाख चलने के बाद भी कोई इशू नहीं देता है अपने ओनर को, इसीलिए फेमस है। तो इसलिए भाई मेरे को पता, देखो मैं एक बारी ना थोड़ा सा वो वाला टेस्ट करता हूँ जैसे मैं हर बार करता हूँ। गियर थोड़े से टाइम के साथ इसके अटकने लग गए हैं, 20 की स्पीड, सेकंड गियर और फुल थ्रॉटल अंदर। देखेंगे गियर कब बदलते हैं, शोर आ जाता है भाई अंदर। भाई पुल करती है गाड़ी बढ़िया, लेकिन एक लीनियंट पावर के साथ। ब्रेकिंग भी नाइस भाई, ब्रेकिंग अच्छी है गाड़ी की। थर्ड गियर पे है और पुल देखते हैं तो भाई देख लो, ब्रेकिंग बढ़िया यार गाड़ी की। नहीं भाई यार, पता नहीं इंडिया में गाड़ियां क्यों नहीं चलती, मेरे को नहीं समझ आता। जैज गाड़ी में आज चला रहा हूँ, हैचबैक सेगमेंट में आई थी भाई, ज्यादा चली नहीं आ रही है गाड़ी, पता नहीं क्या दिक्कत है भाई। बिल्कुल बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बिना रेस के उठ रही है अपना आराम से। वापस से अगर आपको दिखाऊं एक्सेलरेशन, तो बहुत लीनियंट पावर है। देखो एक्सपेक्ट मत करना आपको झटका मिलेगा, लेकिन लीनियंसी पूरी है यार गाड़ी में, मतलब एक बढ़िया एक ही पेस पे गाड़ी पावर देती है। ऐसा नहीं है कि इस आरपीएम के बाद उठ जाएगी उस चीज में। वापस से देखें तो 20 की स्पीड पूरा अंदर, देखो कितनी, मतलब एक पता है गाड़ी को मैंने उसी पेस से उठना है। 5500 आरपीएम पे भाई मैं गियर चेंज कर रहा हूँ, अच्छा खासा शोर अंदर आ जाता है 5000 आरपीएम पे तो। और ब्रेकिंग बढ़िया है भाई, बढ़िया है यार भाई। पता नहीं यार, वैसे तो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं हमें रिफाइंड गाड़ी चाहिए, हमें स्मूथ गाड़ी चाहिए, फिर ये क्यों नहीं बिकी भाई, इसकी सेल्स फिगर इतनी क्यों रही हमेशा से होंडा में। गियर शिफ्टिंग भी बढ़िया है, अभी दूसरे तीसरे पे आया हूँ, पहले भी कभी कभी अटक जाता है वो, तो यार देखो टाइम के साथ हर चीज पुरानी होती है, लेकिन ओवरऑल तो भाई बढ़िया गाड़ी लग रही है। हाइट एडजस्ट तक का फीचर आ जाता है यार इस गाड़ी में थोड़ा सा। और अगर स्मूथली चलाऊं गाड़ी को तो देखो 60 की स्पीड है, जैसे मैं 5वां गियर डालता हूँ अपना, भाई 2000 आरपीएम पे गाड़ी है, लगभग 70 की स्पीड है, कोई इशू नहीं है यार, कंफर्टेबल राइड है बिल्कुल। और वापस से दिखाऊं, ये देखो ब्रेक्स भी, तो भाई बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग है यार, बहुत ज़बरदस्त ब्रेकिंग है गाड़ी की, और आराम से उठ जाती है। अब जैसे देखो मैंने 20 की स्पीड पे ये उठाई है तीसरे गियर पे, तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी शेक कर रही है या कुछ है, बिल्कुल आराम से उठ रही है। क्लच का ट्रैवल भी भाई बहुत कम है, मतलब बहुत गाड़ियां आजकल ऐसी आ गई ना, इतने अंदर अंदर धसे हुए क्लच होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल हल्का सा क्लच है और ट्रैवल भी कम है।
तो एक मिनट यार वापस से देखो, जैसे मैं थोड़ा इसको उठाता हूँ, देखो अब दूसरे गियर पे बिना रेस के उठा रहा हूँ मैं, 5 की स्पीड से लगभग उठ गई भाई, कोई दिक्कत नहीं आई गाड़ी में, एकदम से सुई नहीं जाती। उसके लिए आपको गियर से थोड़ा खेलना पड़ता है, मतलब वो पंची इंजन नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना स्विफ्ट वगैरह का है या बलेनो का है कि पंजा दबा दिया तो उठ पड़ेगी, वो चीज़ नहीं है भाई। लेकिन ओवरऑल अगर आप देख रहे हो एक फैमिली कार तो उसके लिए तो बढ़िया है। 5वां गियर 80 की स्पीड, सामने गाड़ी है, ब्रेक्स भाई कितने कमाल, ये देख लो मजा आ रहा है, स्टीयरिंग इधर का इधर हो गया हो भाई इतने टाइम के बाद भी, 6 साल 7 साल के बाद, 1.5 लाख चलने के बाद भी। नहीं भाई गाड़ी में दम है, मान गया मैं होंडा के इंजन को। मैंने आज तक सिर्फ सुना था भाई कि होंडा के IVTEC अच्छे हैं, ये है वो है, होंडा सिटी मैंने चलाई हुई है लेकिन कोई भी इतनी पुरानी नहीं मिली थी जो कि 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई हो, पर भाई 1.5 लाख चलने के बाद भी जो इस गाड़ी में दम है ना, मज़ा है भाई। यही अगर आपकी स्विफ्ट वगैरह होती ना वो तो भाई अभी तक उसकी, और सबसे बड़ी बात भाई इस गाड़ी में रैटलिंग नॉइस नहीं है ज़्यादा, बहुत ज़रा बहुत सी कहीं से अगर आ रही हो भी है, ज़्यादातर भाई सामान वगैरह पड़ा है गाड़ी में इसलिए आ रही है, वरना इस गाड़ी से रैटलिंग नॉइस नहीं है। अगर 2016 की आप स्विफ्ट ले आओगे ना मेरे आगे जो 1.5 लाख किलोमीटर चली हुई होगी भाई, वो हिल रही होगी हर तरफ से, बज रही होती है वो गाड़ी, और उसका स्टीयरिंग इतना हार्ड हो जाता है, उसके सस्पेंशन ऐसे हो जाते हैं कि वो 80 के ऊपर जाके कांपने लग जाती है। इसमें भाई बढ़िया, बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है गाड़ी में, ओवरऑल भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगी। अगर सेकंड हैंड मार्केट में कोई गाड़ी ढूंढ रहे हो तो होंडा जैज पे आप जा सकते हो बिना किसी संकोच के, बढ़िया गाड़ी है। और भाई अगर एक फाइनल कंक्लूजन दूं ना मैं आपको, तो अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए, फैमिली कार चाहिए, जिसमें भाई आप कंफर्टेबली ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा सको, आपको ज्यादा ओवरटेक नहीं करना, लोगों को इधर से उधर भागना नहीं है, आपके लिए परफेक्ट गाड़ी है। अगर आप ऐसे बंदे हो भाई जो हर किसी को चाहता है ओवरटेक करके चलूं भगाते हुए चलूं, आप लोगों को थोड़ी भाई कम लगेगी, क्योंकि एकदम से पिकअप नहीं देती, एक बहुत लीनियंट पावर है, ऐसे बिल्कुल उठेगी तो ऐसे ही उठेगी, कोई वो नहीं है कि 2,000 या 2,500 के बाद एकदम पुश आ जाएगा, वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल लीनियंसी से चलती है। और यहाँ पर एक ग्रीन सी लाइट है, देखो अगर आराम से चलाओगे तो ये दिखा देगी इकोनॉमी मोड है तो इसलिए ग्रीन है, जैसे ही पेडल हार्ड प्रेस करूंगा तो भाई ये ब्लू हो जाएगी कि इस टाइम पे इकोनॉमी पे नहीं है, पेडल छोड़ते ही वापस से देखना जैसे गियर चौथा कर दिया तो ग्रीन हो गई कि इस टाइम पे इकोनॉमी पर हो, तो ये चीज़ भी अच्छी आपको थोड़ा सा बताती रहती है कि भाई मतलब कितना फ्यूल आप कंज्यूम कर रहे हो। चलो ठीक है भाई, फिर यहाँ तक आए हो, यहाँ तक वीडियो देखिए, थैंक यू सो मच भाइयों, ऐसी आते रहना, ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा, थैंक यू भाइयों, बाय बाय।